जय श्री राम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्मॉल क्रेडिट लोन एप्लीकेशन के बारे में। जैसे कि ये लोगो आप देख सकते हो, ठीक है भाई साहब, इस एप्लीकेशन का मैंने रिव्यू आई थिंक 1-1.5 साल पहले किया था, ठीक है। लेकिन ये एप्लीकेशन फिलहाल फिर से मार्केट में उतर चुकी है। पहले तो एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर थी, लेकिन अभी ये प्ले स्टोर पर नहीं है, ठीक है। यहाँ पर इसकी आपको जहाँ इंस्टाग्राम पर ऐड दिखाई जाएगी, जहाँ फेसबुक पर, ठीक है। अब आपको दिखता है कि भाई साहब आपको 50,000 रुपये मिल जाएंगे, 1,00,000 रुपये मिल जाएंगे, केवल आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर, ठीक है। तो आप क्लिक कर देते हो, क्लिक करने के बाद जब आप डाउनलोड करते हो तो डाउनलोड आप भाई प्ले स्टोर से नहीं करते, आप डाउनलोड करते हो क्रोम पे, ठीक है। ये आपको डिटेक्ट कर देते हैं क्रोम पे, आप डाउनलोड कर लेते हो। आपको तो पता नहीं है कि भाई ये कैसी एप्लीकेशन है। डाउनलोड करने के बाद ये आपको 2,000 रुपये, 3,000 रुपये जितना भी आपको लोन अमाउंट ये ऑफर करते हैं भेज देते हैं। बट भेजने के बाद क्या कहते हैं कि आपको 7 दिन के अंदर, जैसे मान लो यहाँ पे आपको 2,000 रुपये मिले हैं, तो 2,000 का आपको यहाँ पे भाई साहब 4,000-8,000 रुपये रीपे करना पड़ेगा। एंड कई लोगों को उस टाइम पे भी लगता है कि चलो भाई मेरे को तो बहुत ज्यादा इमरजेंसी है, तो भाई रीपे कर देंगे, उनको लगता है ये रियल एप्लीकेशन है, ठीक है। तो अगर आप यही समझ रहे हो ना कि ये जो स्मॉल क्रेडिट है ये रियल लोन एप्लीकेशन है, तो एक चीज तो भाई मैं स्पष्ट बता देता हूँ, ये जो लोन एप्लीकेशन है एकदम चाइनीज लोन एप्लीकेशन है, फेक लोन एप्लीकेशन है, ठीक है। ये आपको बोलेंगे भाई 2,000 का 4,000 रीपे कर देना, और कई लोग रीपे कर देते हैं लेकिन उनको ये समझ नहीं आता ये आपकी गैलरी तक एक्सेस कर सकते हैं, आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। ज्यादातर सिनेरियो में आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट तो एक्सेस कर ही लेते हैं, क्योंकि जब भी आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हो अपना आधार कार्ड डालते हो, पैन कार्ड डालते हो, सेल्फी डालते हो, और साथ में इनको भाई कॉन्टेक्ट्स की परमिशन भी दे देते हो, ठीक है। तो अब इनके पास परमिशन आ गई, आपके कॉन्टेक्ट्स आ गए, ये क्या करेंगे कि अगर आप भाई रीपे नहीं करते हो, ठीक है, आपको पता लग गया फेक लोन है पे, आप कहोगे मैं पैसे नहीं दूंगा, तब भी आपको ब्लैकमेल करेंगे। अगर आप रीपे कर दोगे तब भी आपको ब्लैकमेल करेंगे कि हमारे पास आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट आ गई है, और आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट में हम गलत मतलब फोटो करके भेज देंगे अगर आपने हमको डबल पैसा नहीं दिया, ठीक है। ऐसे करके ब्लैकमेल करते हैं। अब भाई आपको क्या लग रहा था कि RBI से रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है, और भाई साहब ये तो निकली फेक लोन एप्लीकेशन, आप फंस गए इनके हरासमेंट के चक्कर में। अब इसका सोल्यूशन क्या है, तो भाई सोल्यूशन तो मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा, लेकिन एक चीज भाई स्पष्ट बता देता हूं, अगर यहां पे आपको जितना भी पैसा मिला है, 2,000 मिला है, 3,000 मिला, जितने पैसे मिले हैं, कृपया करके इसको रीपे आपको नहीं करना है। कोई आपकी सिविल स्कोर में इंपैक्ट नहीं होगा, ठीक है, कोई लीगल एक्शन नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, बस आपको रीपे नहीं करना है। चाहे 2,000 मिला है, 5,000 मिला है, भाई 50,000 भी मिला है, रीपे नहीं करना है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज क्लियर हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं जितने भी इनके कॉल्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं व्हाट्सएप पे आपको, उसका सलूशन क्या है। तो भाई देखो, जो नॉर्मल कॉल्स आ रहे हैं फोन पे, उसके लिए तो आपको ट्रूकॉलर की ये सेटिंग अप्लाई कर देनी है, ये जो दो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, अगर ये दो ऑप्शन आप ऑन कर दोगे तो जितने भी इनके फोन कॉल्स होंगे ऑटोमेटिकली भाई ट्रूकॉलर बाबा ब्लॉक कर देंगे, ठीक है। चलो यहां तक तो सलूशन हो गया, लेकिन जो आपको व्हाट्सएप पे भाई कॉल्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, उसका क्या करें। क्योंकि भाई देखो, अगर आप कोई जॉब करते हो तो आप तो व्हाट्सएप को डिलीट भी नहीं कर सकते, तो उसका भी सोल्यूशन बता दो। सबसे पहले तो आपको एक स्टेटस अपलोड कर देना है कि भाई इनके पास कॉन्टेक्ट लिस्ट आ गई है, ठीक है। अभी आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट में गलत वगैरह मैसेज करने की धमकी आपको दे रहे हैं, मान लो ये सेंड भी कर देते हैं, तो उससे पहले आपको ना एक स्टेटस अपलोड कर देना है कि अगर आपको मेरे नाम द्वारा कोई भी गलत मैसेज आता है तो कृपया करके उसको इग्नोर करिएगा, मेरे साथ एक स्कैम हो गया था। मैं ये नहीं कह रहा कि आप पूरी ही जस्टिफिकेशन दे दो कि मेरे साथ यही हो गया था, मैंने गलती से लोन एप्लीकेशन पर अप्लाई कर लिया था, ऐसा कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। बस एक नॉर्मली आपको टेक्स्ट लिख देना है कि मेरे साथ एक स्कैम हो गया था। अब देखो, अब जितने आपके क्लोज वन होंगे वो समझना चाहेंगे, समझ जाएंगे। अब ये मत सोचना कि यार वो मेरा मजाक उड़ाएंगे, हंसी मजाक करेंगे, भाई 2-3 दिन की बात होती है, ठीक है। 2-3 दिन के बाद हर इंसान भूल जाता है। अब इसके डर के चक्कर में आपको नहीं मैं रीपे कर देता हूँ, तो भाई आप फंस जाओगे, आपको और ब्लैकमेल करेंगे और फिर से भाई बोलेंगे पैसा दो, ठीक है। तो आपको रीपे नहीं करना है। आस पड़ोस के लोग के चक्कर में कि भाई आस पड़ोस वाले बुरा मानेंगे, अरे यार कोई दिक्कत नहीं है, 10 से 15 दिन का टाइम है, उसके बाद इनके मैसेजेस आना भी, कॉल आना भी, सब कुछ बंद हो जाता है। ऐसा कुल मिला के बात यह है कि आपको बस एक व्हाट्सअप स्टेटस लगा देना है, ठीक है। स्टेटस लगाने के बाद अगर आप कोई जॉब करते हो, आपको भाई व्हाट्सअप बहुत ही नेसेसरी है, तो अगर आप डिलीट नहीं कर सकते तो उसके नोटिफिकेशन ऑफ कर दो, ताकि इनके जितने भी मैसेजेस आए आप देखें ना, ठीक है। आपको देखना नहीं है इनके मैसेजेस, और साथ में आपको एक साइबर क्राइम में कंप्लेंट भी कर देनी है। देख सकते हो ये हमारे इंडिया का भाई साइबर क्राइम पोर्टल है, यहाँ भी जाके आप कंप्लेंट कर सकते हो। मान लो कल को आपका आधार कार्ड पैन कार्ड का ये मिसयूज कर लेते हैं, भाई साहब आपके पास एटलीस्ट एक प्रूफ तो रहेगा कि भाई साहब मैंने तो यहाँ पे कंप्लेंट कर रखी थी साइबर सेल में, ठीक है, मैंने कुछ गलत कार्य नहीं करा है, ये फेक लोन एप्लीकेशन वालों ने करा है। एटलीस्ट आपके पास एक छोटा सा प्रूफ तो रहेगा, ठीक है। तो कल को ऐसे मिसयूज होगा भी नहीं, अगर आप चिंता मत करो यार, 99% चांस है कि आपका भाई पैन कार्ड का ये मिसयूज नहीं करेंगे। ज्यादातर इनका यही सिनेरियो होता है, डबल पैसे लेना, ट्रिपल पैसे लेना, और उसके बाद 10 से 15 दिन के बाद ये मैसेजेस करना भी बंद कर देते हैं। लेकिन मेरी यही सजेशन है, आपको रीपे नहीं करना है, ठीक है। जितना आप रीपे करोगे उतना ही आपको ज्यादा ब्लैकमेल करेंगे, ठीक है भाई साहब। तो मैंने 3 सोल्यूशन आपको बता दिए। सबसे पहले आपको ट्रूकॉलर की सेटिंग करनी है, ठीक है, फिर व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाना है, और साइबर क्राइम पे आपको एक भाई कंप्लेंट कर देनी है, ठीक है भाई साहब। और फिर से कहूंगा भाई,
रीपे मत करना। कई लोग मेरी सजेशन सुन के, वीडियो सुन के कहते हैं ठीक है भाई हम रीपे नहीं करेंगे, फिर डर के रीपे कर देते हैं। भाई 10 से 15 दिन की बात है, उसके बाद इनके मैसेजेस आना, कॉल्स आना सब बंद हो जाएंगे, तो कृपया करके रीपे मत करिएगा। कोई सिबिल स्कोर में भाई साहब इंपैक्ट नहीं आने वाला है, ठीक है। और ये एप्लीकेशन बहुत पुरानी है भाई, 1 से 1.5 साल पहले मार्केट में थी, अब भी इसके एड कैंपेन चल रहे हैं। भाई साहब कब जाएगी ये स्मॉल क्रेडिट एप्लीकेशन? यार मैं थक गया इसके बारे में बताते बताते कि चाइनीज लोन एप्लीकेशन है, चाइनीज लोन एप्लीकेशन है। तो भाई इसका मैंने रिव्यू करके बता दिया, रीपे मत करना, फिर से कह रहा हूँ। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर लगी होगी तो इस वीडियो को शेयर कर देना। अगर कोई गलती से इस एप्लीकेशन से लोन ले लेता है तो भाई वो अवेयर हो जाएगा। अगर आपका कोई भी फाइनेंस के रिलेटेड भाई क्वेश्चन है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, ये रहा मेरा यूजर नेम आईडी। तो बस आज की वीडियो में इतना, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।